नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। दहेज लोभियों की मनमानी आसमान छू रहा है, जिसमें विवाहिता लड़की के साथ ससुराल वालों के द्वारा दहेज लेने को लेकर प्रताड़ित की जाती है। एक तरफ बिहार सरकार कहते हैं कि दहेज लेने और देने वाले को ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन धरातल पर दहेज लोभियों की मनमानी आकाश छू रहा है। इसी कड़ी में प्रवक्ता थाना क्षेत्र के अरड़िया गांव निवासी स्वर्गीय बुचू यादव के 26 वर्षीय पुत्र मुन्ना कुमार ने बेलदौर थाना अध्यक्ष को आवेदन देकर मामले से अवगत कराया। सूचक मुन्ना कुमार ने बताया कि मेरी बहन का शादी नगर पंचायत बेलदौर के सिरबासा निवासी चौधरी यादव के 25 वर्षीय पुत्र छोटू यादव के साथ हिंदू रीति रिवाज के तहत 2018 ईस्वी में संपन्न हुआ था। तब से दोनों पति पत्नी के बीच शांतिपूर्ण तरह से जीवन व्यतीत हो रही थी, लेकिन रुपया ने क्या करवा देता है। उक्त मामला को लेकर बीते रविवार को करीब 7:30 बजे छोटू यादव समेत आधे दर्जन व्यक्ति मेरे बहन पूनम देवी को गाली गलौज करते हुए आम जान मारने की नीयत से लाठी डंडा एवं लोहे के रड से घर में घुसकर बुरी तरह से मारपीट किया। मारपीट के दौरान चौधरी यादव के पत्नी कह रही थी कि जब तक तुम्हारे परिजनों के द्वारा दहेज के तौर पर 2 लाख रुपया नहीं देगा तो नहीं रखेंगे, नहीं तो जान से मार देंगे। इस कारण पूनम देवी के भाई मुन्ना कुमार ने बेलदौर थाना अध्यक्ष को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष पंकज प्रकाश ने बताया कि उनके द्वारा आवेदन दिया गया है, अपने अधीनस्थ कर्मी से मामले को छानबीन करवाकर दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी।